हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजनास व्लॉग। अंजनास व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और हमारी जो रायपुर की ट्रिप थी वो बीच में किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सोची जो मेरी रायपुर ट्रिप है उसे कंटिन्यू करें। तो ये आप पुल देख रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। पुल क्या कहना चाहिए, ओवरब्रिज भी आप कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है। जितना ये खूबसूरत सीन मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ उतना ही वो खतरनाक रास्ता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जो ओवरब्रिज आपने देखे वहाँ से स्टार्ट होती है। आए दिन यहाँ पे खतरनाक इसलिए क्योंकि आए दिन जब हम जाते हैं, पहली बार है जब हमें कोई एक्सीडेंट सीन नहीं देखने को मिला है, वरना हमेशा हमें एक्सीडेंट सीन देखने को मिलता है इस इलाके पे। तो ये आप देख सकते हो, ये रोड यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और इतने एरिया में हम अब तक जितनी बार भी रायपुर ट्रिप गए हैं, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर समथिंग रॉन्ग हैपन्स हुई है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और तो ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे खूबसूरत सा पुल पड़ता है और नदी भी है इतना खूबसूरत। इसका पानी आप देख सकते हो एकदम ब्लूइश कलर का है, और चारों ओर पहाड़, और उसके दूसरे साइड भी आप दूसरी पुल देख सकते हैं। इतना अच्छा सीन लगता है दोस्तों कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इसलिए मैं इस जगह को खतरनाक खूबसूरत करें, क्योंकि ये जितना खतरनाक है उतना खूबसूरत एरिया भी है, ये आप लोग देख सकते हैं। और बिल्कुल पथरीली जगह है, और देखिए कितना क्लीन वाटर, इतना खूबसूरत लगता है कि क्या करें। अगर मेरे पास ड्रोन होता ना तो मैं ड्रोन शॉट यहाँ पर उतर के ज़रूर लेती। और ये पुल भी देखिए इतना साफ़ सुथरा, इतना नीट एंड क्लीन, और इतना चौड़ा है दोस्तों कि इस पर कि आप आराम से सफ़र कर सकते हो। और यहाँ थोड़ी देर में पुल ख़त्म होने वाली है, उसके बाद एक ख़तरनाक मंज़र आपको देखने को मिलेगा। दोनों साइड एकदम पहाड़ होगा, आप लोग अभी देखिएगा, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ये देखिए, तो ये वाला भी बहुत ही खतरनाक लगता है। तो ठीक है दोस्तों, यही आप लोगों से शेयर करनी थी। इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं, बाय।